आज हम बनाने जा रहे हैं घर में ही बहुत इसी मेथड से शेंग भुजिया, जिसे आप एक बार बनाकर एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमने लिए हैं 200 ग्राम कच्चे सिंगदाने, एक बड़े सी थाली में हमने इसको ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 5 बड़े चम्मच बेसन के, लगभग 150 ग्राम बेसन है ये। ऐसे वाले 5 चम्मच। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ये रॉक सॉल्ट है, आप रेगुलर सॉल्ट भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। अब इन सारे मसालों को मिला लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, शीटा जैसे लगाते हैं वैसे पानी, ज़्यादा नहीं डालना है एक टाइम में, और थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करते जाएंगे। हमें इन्हें सूखा ही रखना है। इस तरह से सारे सिंगदानों को बेसन लपेट लेना चाहिए, ऊपर से थोड़ा सा ड्राई बेसन लगा देंगे ताकि मॉइस्चर ना रहे। इन्हें ढक के 10 मिनट तक रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने पहले से गरम कर लिया है और इस तरह से सिंगदाने डालते जाएंगे। इस टाइम पे हमें लो फ्लेम को रखना है क्योंकि सिंगदाने हमने कच्चे लिए थे, वो भी पकने चाहिए। थोड़ा सा साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे और सारे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। रेडी होने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।